हेलो गाइस, अब देखो आज के दिन जहाँ अपर सर्किट लगे वो स्टॉक हम देखेंगे और इसमें कल भी लग सकता है। अब ऐसे 10 स्टॉक है हमारे पास, पर 10 के 10 के अगर हम फंडामेंटल देखने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिसका चार्ट हमें सबसे अच्छा लगेगा उसके हम फंडामेंटल देखेंगे। अब इसमें इस कैटेगरी में पहली कंपनी है ये वल्लभ स्टील। अब देखो वल्लभ स्टील ये जो कंपनी है, यहाँ इसका जो सिंबल है ये VALLABHSQ नाम से है। यहाँ आज के दिन अपर सर्किट लगा देखो, और मेरे हिसाब से ये अपर सर्किट है और यह एक बेस फॉर्मेशन है। अब अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जहाँ उतने ही पैसे लगाने होते हैं जितना आप जीरो होते हुए देख पाओ, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से 4 रुपये का होगा। और ऊपर फर्स्ट टारगेट एज पर दिस चार्ट, फर्स्ट टारगेट होगा 11 रुपये का, और 11 रुपये अगर निकला तो सेकंड टारगेट होगा 29 रुपये का। तो 29 तक के टारगेट वल्लभ स्टील में आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये रहा पहला पेनी स्टॉक। अब इसमें हमारा दूसरा स्टॉप है क्रेंस सॉफ्टवेयर। अब ये जो स्टॉक है ये देखो 150 के भी ऊपर था। टू बी प्रिसाइज अगर मैं एक लेवल मार्क करने जाऊँ तो ये था 160, 160 रुपये वाला स्टॉक था जिसने लो लगाया है 43 पैसे का। अभी 4 रुपीज़ 42 पैसे पे चल रहा है। ये भी स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। और ये जो पैटर्न बना है देखो, W बना है और W का ब्रेकआउट हुआ इसमें, ये एक पैटर्न अच्छा है। इसके फंडामेंटल हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ एक W का ब्रेकआउट हुआ है और ये 4 रुपये का शेयर अब यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। 6 रुपये अगर निकाल दे, 6 रुपये निकाल दे तो ये सीधा 12 रुपये तक चला जाएगा। तो क्रेंस सॉफ्टवेयर पे आपको नज़र रखनी है। और अब हम इसके देखेंगे कुछ फास्ट में फंडामेंटल, क्योंकि इसका चार्ट मुझे अच्छा लगा। 52 करोड़ की कंपनी, बुक वैल्यू नेगेटिव, फेस वैल्यू 2, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन का इनका काम है ओवरऑल, तो चलो सही है। स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सॉल्यूशन। देखो 50 DMA ने 200 DMA को क्रॉस किया, बहुत तेज़ी बनी, फिर इसने 200 DMA को टेस्ट किया और फिर यहाँ से भागा है। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो नेगेटिव में ही है, कंपनी नेगेटिव ही परफॉर्म करे, कंपनी ने अभी तक पॉजिटिव रिटर्न दिए ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ अगर डेवलपमेंट होगी तो ये परफॉर्म कर रहा है ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ देखो प्रमोटर के पास 6% है और DIs के पास 14% है। तो DIIs में इसमें बैंक ऑफ इंडिया है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक, दो बैंक के पास ये शेयर है। और पब्लिक के पास 79% यहाँ पे स्टेक है, जहाँ अरोरा टिम्बर इंटरनेशनल ने थोड़ा सा स्टेक यहाँ बढ़ाया है। और यहाँ लेटेस्ट सुनील देश पांडे, इन्होंने 1.19% 2023 में यहाँ बाय किया है क्रेंस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपको रखनी है नज़र। चार्ट अच्छा लगा मुझे और ये W का ब्रेकआउट होगा तो इसमें एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक हो सकती है, ये सोच के इसमें हमने ये कवर किया है। अब थर्ड स्टॉक है हमारा इसमें श्रेयस इंटरमीडिएट। शेयर श्रेयस इंटरमीडिएट का भी सेम यहाँ एक बेस बनाया है 6 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, 9 रुपया भी चल रहा है। यहाँ इमीडिएट हम टारगेट ऊपर के रखेंगे, 15 रुपये का फर्स्ट टारगेट होगा और 23 रुपये का सेकेंड टारगेट होगा। 15 और 23 के टारगेट के लिए इसे रख सकते हो, 6 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। ये भी चार्ट अच्छा लग रहा है, ये भी W फॉर्मेशन कर रहा है। तो W फॉर्मेशन में इसका फर्स्ट टारगेट तो 10 रुपये, तो सॉरी 14 रुपीज़ तो इसका आना ही आना है। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टॉक है MP एग्रो। MP एग्रो ने मुझे याद है ये जो ब्रेकआउट दिया था, तब मैं सोच रहा था अरे यार यहाँ लेना चाहिए था, ये जोन में लेना चाहिए था, क्योंकि मैं ये जोन में देख रहा था शेयर को, मुझे अच्छा लग रहा था बेस फॉर्मेशन, पर मैंने लिया नहीं था। और ये 3 रुपये वाला शेयर 18-19 हो गया था,
पर फिर मैंने छोड़ दिया। अब इसमें फिर से एक मूवमेंट बनी। देखो टू, ये जो 50 DMA की लाइन है, 50 DMA से सपोर्ट लेके ये आज के दिन में अपर सर्किट लगाए, तो यहाँ एक वैल्यू अनलॉक हो सकती है। पर अभी स्टॉप लॉस आपका 4 रुपये का रहेगा, 8 रुपये चल रहा है, तो 4 रुपये का स्टॉप लॉस और ऊपर फर्स्ट टारगेट 18 रुपये तक का भी आप रख सकते हो इसमें MP एग्रो। अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंदिरा इंडस्ट्रीज। इंदिरा इंडस्ट्रीज में भी सेम, यहाँ भी एक बेस फॉर्मेशन और बॉक्स पैटर्न है। यहाँ एक बॉक्स बना है और बॉक्स में कंसोलिडेशन क्या बहुत, मतलब देखो ये है 2021 का नवंबर से लेके 2023, तो ऑलमोस्ट 1-2 साल इसमें, 2 साल इसमें रहा और अभी ये ब्रेकआउट करने जा रहा। तो ये ब्रेकआउट के टारगेट इसमें 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक हो गए और स्टॉप लॉस होगा 3 रुपये का। 3 रुपये का स्टॉप लॉस और 20 रुपये तक के टारगेट आप इस पेनी स्टॉक में रख सकते हो। इस कैटेगरी हमारा नेक्स्ट स्टॉक है RCI इंडस्ट्रीज। अब ये देखो, ये जो डबल टॉप बना यहाँ पे 250 पे, और 250 वाला सीधा 3 रुपये पे आ गया। 3 रुपये पर भी ये बेस फॉर्मेशन करके यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ भी 2 रुपये 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस रखो नीचे, और ऊपर फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे इसमें डबल, मतलब 6 और 7 रुपये तक के टारगेट इसमें हम रख सकते हैं। तो ये एक आपको याद रखना है। अब इस कैटेगरी में हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा सागर इंडस्ट्रीज। ये चार्ट जो है ये कुछ मतलब पता नहीं मुझे ये पसंद क्यों आ रहा है, पर यहाँ एक वैल्यू अनलॉक हो सकती है क्योंकि ये बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। देखो लिस्टिंग मतलब ये जब से है, ये जहाँ से हमें दिख रहे डेटा अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2023 तक का, ये एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। अभी ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये अच्छा लिख रहा है, तो अगर इसे चलना है तो ये यहाँ से चलेगा और अच्छा खासा आपको रिटर्न भी यहाँ से दे सकता है। तो इस पे आपको नज़र रखनी है। ऊपर हम टारगेट इसका रखेंगे 4 रुपये से लेके 7 रुपये तक का हम इसमें रखेंगे टारगेट। एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते सागर। प्रोडक्शन 10 करोड़ की कंपनी है और काफी छोटी कंपनी है। 10 करोड़ मतलब अल्ट्रा अल्ट्रा माइक्रो कैप हो गई है, और अपने 50 DMA की लाइन 200 DMA को ऊपर की तरफ क्रॉस भी कर रही है। ये एक पॉजिटिव हो सकता है इसके लिए। प्रमोटर होल्डिंग लो है और आगे जाके ये चल सकता है, तो यहाँ आप एक नज़र रख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न देख के मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ FI ने भी माल बेचा है, प्रमोटर ने भी माल बेचा है और पब्लिक ने खरीदा है। तो अब देखो, अब ये जो स्टॉक है सागर प्रोडक्शन, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? आज अपर सर्किट मारा है पर पब्लिक ने खरीदा है, प्रमोटर और FI ने भी बेचा है, तो इसमें इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। ये याद रखो, सागर प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना है, याद रखो। अब इसमें जो नेक्स्ट दो स्टॉक है ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये आगे वाले दो स्टॉक इंटरेस्टिंग हैं जिसके हम एनालिसिस भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक बेस फॉर्मेशन है अच्छा खासा। ये है BU, BEE YU, और इसमें स्टॉप लॉस होगा आपका 1 रुपये 50 पैसे का, और ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 6 रुपये का। अभी 3 रुपये पे चल रहा है, तो 6 रुपये 10 पैसे का इसमें हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, और सेकेंड टारगेट उसके ऊपर भी ये जा सकता है। अब ये जो कंपनी है ये चार्ट पे अच्छी लग रही, BU ओवरसीज 4 करोड़ की कंपनी, 0.18 की बुक वैल्यू, और इसने ब्रेकआउट अच्छा दिया है। और यहाँ देखो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे हो रहे, तो यहाँ आप एक स्टेक ले सकते हो, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रमोटर के पास 24% है तो पब्लिक 75% है।
प्रमोटर इनके क्लासिक निर्माण और क्वांटम वेल्थ सॉल्यूशन। ओके, और पब्लिक में भी अच्छी खासी पब्लिक ने स्टेक लेके रखा है इसमें। ये कौन है, जस शाह, मोतिहार, जवेरी मोतिहार। पब्लिक में भी बहुत अच्छी डिमांड, मतलब अच्छे अच्छे इन्वेस्टर मुझे दिख रहे हैं, तो यहाँ भी आप नज़र रखो। ये बीओ ओवरसीज कंपनी शायद कुछ कर सकती है आगे जाके, ये रिटर्न जनरेट कर सकती, मेरे को इसे लग रहा है ये रिटर्न जनरेट करके देगी, ये लेवल अच्छा है इसका। और नेक्स्ट स्टॉक अभी हमारा होगा इसमें SVS। अब इसका भी हमें फंडामेंटल देखने एक बार, क्योंकि SVS वेंचर 17 करोड़ की कंपनी, 24 का पी, 8 की प्राइस और 15 की बुक वैल्यू। अब इसका काम क्या है, SVS वेंचर ही देंगे रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का इनका काम है, और डेट फ्री कंपनी है, बुक वैल्यू के नीचे चल रही है, तो मेरे हिसाब से ये मतलब आगे जाके कुछ कर सकती है ये कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रॉफिट में है, और ठीक है स्ट्रक्चर यार, पेनी स्टॉक है पर नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं है, सब जो दिख रहा है वो पॉजिटिव है। और प्रमोटर के पास 66% स्टेक है। हाँ, प्रमोटर के पास 66% स्टेक है, और यहाँ पब्लिक के पास, इन्वेस्ट के पास, अच्छा एक सेकेंड, एसवीएस वेंचर या फरवरी में यहाँ परचेस किया गया माल 11 और 12 रुपए पे। ओके, मल्टीप्लस 17 रुपए पे गया। ओके, अच्छा, ठीक है, पर ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। देखो 8 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, 8 रुपए पे ये ट्रेड तो कर रहा है, पर यहाँ 6 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो, 6 रुपए का, तो एक अच्छी बेट हो सकती है ये, यहाँ से भी ना अच्छी बेट हो सकती है 8 रुपए वाला स्टॉक, क्योंकि ये इसमें इमीडिएट टारगेट मुझे तो 11 और 15 रुपए के दिख रहे। 11 और 15 रुपए के टारगेट के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक को, और ये आने वाले टाइम में चल भी सकता है। इसका वन डे चार्ट एक बार देख लूँ, वन डे चार्ट तो ठीक है, ये अगर चलने लगा ना तो ये रिटर्न निकाल के देगा, और बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। 66% प्रमोटर के पास है, तो अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर होल्ड कर रहे, तो इसे भी आप एक रडार पे रख सकते हो। ये भी हमारे मतलब पिछले, ये दोनों ही स्टॉक अच्छा बिजनेस लग रहा है मुझे इनका, और आने वाले टाइम में ये रिटर्न दे सकते हैं।